Welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about the chapter 3, Reproductive Health. इसमें हम लोग previous year 2023 का CUT का और NEET का paper discuss कर रहे हैं, chapter wise question लिए हैं. ठीक है, question है आपके पास बेटा. देखिए, पहले हम लोग NEET का देख लेते हैं, फिर CUT का देखेंगे. question में पूछा गया है, match the list 1 and 2. ठीक है, वॉसेकोटोमी लिस्ट 2 में ओरल मेथड, क्वाइटस इंटरप्टस बैरियर मेथड एंड सर्वाइकल कैप सर्जिकल मेथड्स एंड सहेली नेचुरल मेथड. मतलब ऐसे इन्होंने कॉलम्स को करेक्ट करने के लिए बोला है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आ रखा है. हम लोग इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. सबसे पहले बच्चे, वॉसेकोटोमी होता क्या है? सबसे पहले बच्चे, ये एक सर्जिकल मेथड है. ठीक है, वॉसेकोटोमी क्या है? एक सर्जिकल मेथड है. ए का जो है हमारा, ये एक सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है. ठीक है, वॉसेकोटोमी इज अ सर्जिकल मेथड. ठीक है, ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, राइट. तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका? क्वाइटस इंटरप्टस. क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस एक नेचुरल मेथड है. बी में हम लोग क्या देख रहे हैं? क्वाइटस इंटरप्टस एक क्या है? नेचुरल मेथड है. ये एक नेचुरल मेथड है. ठीक है बेटा, नेचुरल मेथड. ठीक है, ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास सर्वाइकल कैप आता है, विच इज़ अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. ये क्या आएगा बच्चे? ये एक बैरियर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस. ठीक है बेटा, और फिर आपका लास्ट में आता है सहेली. सहेली इज़ अ ओरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच इज़ नॉन स्टीरॉयडल पिल. तो डी जो है ये क्या है हमारा? ओरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, ओरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस. ठीक है, विच इज़ नॉन स्टीरॉयडल पिल. क्या होती है ये? नॉन स्टीरॉयडल पिल होती है. ठीक, अब इसमें आपको क्रॉस चेक करना है कौन कौन से सही हैं. अब जैसे वॉसेकोटोमी जो है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सर्जिकल मेथड बोल रहे हैं. जैसे यहाँ से यहाँ आ जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद ए का हमारे पास 3 आएगा, ए का 3. बी का क्या आ रहा है बच्चे? नेचुरल मेथड. ये आ गया बी का नेचुरल मेथड, ए का 3, बी का 4, ये वाला है ना, ए का 3, बी का 4, सी का 2. सर्वाइकल कैप जो है वो किस पे आ रहा है? बैरियर मेथड. ठीक है, और फिर सहेली जो है ओरल मेथड. तो मतलब फर्स्ट इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद हम लोग इसी में देखते हैं आइडेंटिफाई. ये नीट का था, अब हम लोग ये सीयूटी का पीवाईक्यू देखते हैं. इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड बाई द ह्यूमन फीमेल. इसमें से आपने बताना है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो फीमेल प्रैक्टिस नहीं करती है टू प्रोटेक्ट प्रेगनेंसी. तो देखो बच्चे, जैसे डायफ्राम्स है, डायफ्राम्स है ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे स्पर्म स्किड हो जाता है. ठीक है, तो स्पर्म जो है वो एक्चुअल फ्लॉपिन ट्यूब्स तक नहीं पहुँच पाता है. ट्यूबेकोटोमी जो होता है, हम लोग क्या करते हैं? फ्लॉपिन ट्यूब को कट कर देते हैं. ठीक है, फ्लॉपिन ट्यूब को कट कर देते हैं. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबेकोटोमी. तो फ्लॉपिन ट्यूब किस में होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, FRT में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फ्लॉपिन ट्यूब प्रेजेंट होगी जिसमें हम लोग कट कर देते हैं फ्लॉपिन ट्यूब को. और फिर क्या हो जाता है बच्चे? वो एग और स्पर्म कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते हैं और उससे भी क्या हो जाती है? प्रेगनेंसी कंट्रोल हो जाए, विच इज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच इज़ यूज बाई द फीमेल, है ना. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है? IUD जो है आपका, IUD इंट्रायूट्राइनल डिवाइस है. ठीक है, तो इसमें भी फीमेल्स जो होती हैं इसका यूज़ करती हैं, सेट बाय द डॉक्टर, है ना. डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की IUD मिलती हैं फीमेल्स के लिए और ये डॉक्टर नर्स ही सेट कर सकती है. ठीक है, तो ये जैसे चाइल्ड में बहुत ज़्यादा गैप लाने के लिए, है ना, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए इसको भी इंसर्ट किया जाता है बाय द डॉक्टर. ठीक है, तो ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर है जिसको ह्यूमन फीमेल प्रैक्टिस करती है. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? वेसेकोटोमी. वेसेकोटोमी जो होता है बच्चे, ये हमारे पास क्या होता है? ये एक प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? वासा डिफरेंशिया को कट कर देते हैं.
ठीक है, वासा डिफरेंशिया को कट कर देते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है वासा डिफरेंशिया, ठीक है, जिसको हम लोग कट कर देते हैं, जिससे स्पर्म जो है वो आगे एग के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला ये वाला जो पार्ट है ये इससे अलग है, तो इसका ये वाला आंसर है, ठीक है। बाकी ये तीन चीज़ें जो हैं फीमेल प्रैक्टिस करती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के भ्याप से, है ना, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए, बट ये जो है इनमें से ऑड है, वासेकोटोमी जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग वास डिफरेंशिया को कट कर देते हैं और एग और स्पर्म के कॉन्टैक्ट को इनर्ट कर देते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसका सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। थैंक यू।